हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं इंट्रीगेशन ट्रिक्स। अप्रॉक्स 35 to 38 इंट्रीगेशन ट्रिक्स हैं। तो किसी भी TGT PGT एग्ज़ाम के लिए, या UP TGT PGT हो, या KVS हो, या LT ग्रेड हो, मैथ से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल रामबाण वीडियो है। और आप अच्छे से ये चीज़ जानते हैं कि बेसिक से कभी भी सिलेक्शन नहीं मिल सकता अगर आपको शॉर्ट्स मेथड नहीं आते हैं। क्योंकि आपको ठीक है नहीं आते हैं, आप बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं, आपकी मेरिट पहुंच रही है, 75-80 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक। और जिसको ट्रिक्स मालूम है, शॉर्ट मेथड्स मालूम है, वो इजीली 90-95 कर ले जा रहा है। 40-50 क्वेश्चन तो वो देख के टिक कर रहा है, तो उसका सिलेक्शन होगा कि आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए दोस्तों, आज के वीडियो में ट्रिक्स, ओनली ट्रिक्स, नो बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देखिए, ट्रिक नंबर फर्स्ट है हमारे पास इंट्रीगेशन 1/(x + a, x + b, dx). अगर इस फॉर्म में हो तो आप जनरली इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जनरली आप इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते हैं, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं। पहले इसको अलग अलग आंशिक भिन्न में हम ब्रेक करते हैं, उसके बाद उसको फिर इंट्रीगेशन सॉल्व करते हैं। तो सीधा सीधा इसको हम 1/(b - a), बी और ए है लॉग मॉड x + a/(x + b) लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये पहले एक क्वेश्चन में हम बता दें, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए, जैसे ये पहला है आपका इंट्रीगेशन 1/(x + 2) और x + 5 dx है। इसमें हम 1/(b - a) यानी कि 5 - 2 लिख दीजिए, एंड इंट्रीगेशन 1/(x + 2 - 1/(x + 5) इन दोनों को माइनस में और dx। अब इनका इंट्रीगेशन करेंगे तो 1/3 ये क्या होता है, लॉग x + 2, और ये माइनस लॉग x + 5, ठीक है। तो 1/3 इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग x + 2/(x + 5) लिख सकते हैं ना, पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। इस तरह से हम इसको सॉल्व करके लाएंगे। अब डायरेक्ट लिखने के लिए देखिए, डायरेक्ट कैसे हम लिख सकते हैं इसको, बहुत इजी है। इसको सीधे सीधे 1/(b - a), 5 - 2, 3 लॉग लोअर पार्ट मतलब छोटा वाला x + 2 और बिगर x + 5 मॉड, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका आंसर आप इजीली बता सकते हैं, 3 - 2 मतलब b - a, तो ये 1/5 हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, लॉग स्मॉलर x - 2 x + 3, है ना इजी। इसको देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि x के कॉफिशियंट दोनों इक्वल होने चाहिए, 1 कॉफिशियंट है तो 1 ही होना चाहिए, यहाँ 3 है तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। चेंज क्या करेंगे, 1/3 बाहर ले लेंगे, तो 1/ इससे हमने 3 निकाला, यानी कि 1/3 निकला, तो यहाँ x + 1/3 आ जाएगा, इससे 3 गया तो इसमें 1/3, और x + 2 dx वही बन गया। बस अब इसको सॉल्व करने में क्या समस्या है, तो 1/3 और 1/(b - a) यानी कि इनटू में 2 - 1/3 लॉग x + 1/3/(x + 2). अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, 3x + 1 और 1/3 और यहाँ पे x + 2, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रिक हो गई। अब सेकेंड ट्रिक की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारी ट्रिक नंबर 2 क्या कहती है।
इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस ए और एफ एक्स प्लस बी, मतलब यहाँ पर जो फंक्शन होगा ठीक है उसका यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन होके रखा होगा, ऊपर का जो भी फंक्शन होगा इसका डिफरेंशिएशन फंक्शन होगा यानी कि इसका डेरिवेटिव होगा यहाँ पे। तो देखिए बहुत इजी है, तो वन अपॉन बी माइनस है जो अभी कर रहे थे वही सेम, लॉग एफ एक्स प्लस ए और एफ एक्स प्लस बी सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वन है तो एक्स क्यूब का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, थ्री एक्स स्क्वायर मिलेगा और इस यहाँ भी एक्स क्यूब है तो ये इस ट्रिक को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब वन अपॉन बी माइनस ए टू माइनस वन लॉग एफ एक्स प्लस ए ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस टू, है ना इजी, एक सेकेंड में हो गया। अब यहाँ देखिए 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, यहाँ भी 10x है तो सेम इसमें भी रूल लग जाएगा 1 अपॉन 5 माइनस 2 log 10x प्लस 2 अपॉन 10x प्लस 5, है ना इजी, सेम इसमें भी। अब ये इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 1 अपॉन 3 बचेगा, 1 अपॉन बी माइनस ए 5 माइनस 1 लॉग, अब इसको समझिए ये जो आपका यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है ठीक, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन एक्स होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स है तो हो गया ना लॉग 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 5 प्लस लॉग एक्स, है ना इजी। तो ये ट्रिक नंबर 2 कंप्लीट हुई। नाउ ट्रिक नंबर 3, देखिए ट्रिक नंबर 3 क्या कहती है, ए टू बी इंटीग्रेशन ए टू बी डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स, यानी कि जो लोअर लिमिट है वो एक्स माइनस ए सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए, जो लोअर लिमिट है x माइनस ए और अपर है b माइनस एक्स तो उसकी वैल्यू क्या आएगी पाई। तो अब आपको कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ भी देखिए सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है x माइनस टू और 4 माइनस एक्स, x माइनस फोर और 8 माइनस एक्स, x माइनस फाइव और 10 माइनस एक्स डी एक्स, तो इन सब की वैल्यू क्या आ जाएगी, आँख बंद करके आप पाई लगा दीजिएगा ठीक। अब पाई लिखने में एक सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता ना, तो हो गया ना एक सेकंड से कम समय में। अगली ट्रिक देखते हैं, देखिए ट्रिक नंबर 4 क्या कहती है, इंटीग्रेशन ए टू बी अंडर रूट एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स डी एक्स, अभी जो इसके पहले वाले ट्रिक नंबर 3 थी उसमें क्या था, वन अपान में यही चीज़ थी तो सीधा पाई आ जा रहा था ठीक, अभी ये अपान में नहीं है तो आएगा पाई अपॉन 8 और b माइनस ए का होल स्क्वायर, तो b है आपका क्या 4 और a है आपका 2 और इसका स्क्वायर, तो पाई अपॉन 8 4 माइनस 2 और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो 4 टू जा आपका आंसर आ गया पाई बाई 2। बस आपको पैटर्न पहचानना है और ट्रिक आपको याद रहे, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना बस प्रैक्टिस करनी है, तो ऑलरेडी ट्रिक आपको याद रह जाएगी। अगली ट्रिक देखते हैं, देखिए ट्रिक 5 क्या कहती है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इस फॉर्म में हो तो हमें क्या करना है, 1 अपॉन ए ब्रैकेट अंडर रूट ए अपॉन ए प्लस बी टेन इनवर्स अंडर रूट ए अपॉन ए प्लस बी टेन एक्स और प्लस सी ठीक है, उनमें बाकी में सी नहीं लगाया, सी ज़रूर लगा लीजिएगा ठीक है, कांस्टेंट तो सब में आना चाहिए ठीक है, कांस्टेंट सब में आना चाहिए। तो इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 प्लस ले लेते हैं 4 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, ए ये है बी ये है, 1 अपॉन 3 ए यानी कि 3 और a प्लस बी 3 प्लस 4
फिर टेन इनवर्स ए थ्री और ए प्लस बी थ्री प्लस फोर, टेन एक्स और प्लस सी, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, थ्री अपॉन सेवन टेन इनवर्स थ्री अपॉन सेवन टेन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है, बस ट्रिक्स हैं, इनको आपको लर्न रखनी है और आंसर फटाफट आते रहेंगे। अगली ट्रिक देखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे वन अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स था, ठीक, तो उसमें क्या था कि ये ए प्लस बी नीचे आ रहे थे ए ऊपर, ए प्लस बी नीचे ए ऊपर और बाहर वन अपॉन ए, ठीक, इसमें थोड़ा सा चेंज है। तो इसका जब सोल्यूशन हम करेंगे तो वन अपॉन ए प्लस बी यानी कि थ्री प्लस फोर, ठीक है, और उसके अंदर पहले ऊपर ए था और नीचे ए प्लस बी था, तो अब ऊपर ए प्लस बी है यानी कि थ्री प्लस फोर सेवन अपॉन ए थ्री, और बाकी का वही टेन इनवर्स, ये भी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी सेवन अपॉन थ्री और टेन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। तो ये ट्रिक नंबर सिक्स थी। एक ट्रिक और बताते हैं हम इस पार्ट में, इसके बाद बाकी सब जो है वो नेक्स्ट पार्ट में बताई जाएंगी आपको, ठीक। तो एक ट्रिक इसमें और बताते हैं हम, ट्रिक नंबर सेवन। देखिए ट्रिक नंबर सेवन क्या कहती है, इंटीग्रेशन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स अपन सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स अगर इस फॉर्म में है तो हम उसको सीधे ए सी प्लस बी डी अपन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए डी माइनस बी सी अपन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और लॉग सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स प्लस सी, सीधा आ जाएगा, कोई इसको साल वाल करने की झंझट नहीं है, बस इसको याद रखिए, काम हो गया। तो अब इसको, ये क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करें। तो हमारा ए सी, देखिए इसका कॉफिशियंट वन है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए सी देखिए वन इंटू फोर फोर प्लस बी डी फाइव थ्री जो फिफ्टीन और सी स्क्वायर यानी कि फोर फोर सिक्सटीन प्लस ए स्क्वायर वन, क्लियर, इंटू एक्स। अब ए डी, ए और डी फाइव माइनस बी सी, बी और सी ट्वेल्व अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही सेम टू सेम सिक्सटीन प्लस वन। अब यहाँ पे आ जाएगा लॉग सी, क्या है आपका फोर कॉस एक्स, ये यानी कि पूरा नीचे ही वाला होता है, प्लस फाइव साइन एक्स प्लस सी, फाइव साइन एक्स प्लस सी, यहाँ सी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 19 अपॉन 17 एक्स प्लस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 7 अपॉन 17 लॉग 4 कॉस एक्स प्लस 5 साइन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो ये सेवन ट्रिक थी इस वीडियो में, अब कुछ और ट्रिक्स हैं जो अगले वीडियो में बताएंगे, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, छोटे छोटे वीडियो में, तीन चार वीडियो में सारी ट्रिक्स कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।